नमः शिवाय। भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष मंगलवार नवमी तिथि पूरे दिन और शाम 5:20 तक लगी रहेगी। तत्पश्चात दशमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। चंद्रमा मृगशिरा नक्षत्र में शाम 7 तक चलते रहेंगे। तत्पश्चात आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। मृगशिरा नक्षत्र के नक्षत्र स्वामी मंगल देव हैं। आज के जन्मे जातक सुंदर, चंचल, धैर्यवान, हर काम के प्रति उत्साही, धनी और यात्रा प्रिय मानसिकता के होते हैं। ऐसे जातक विचारशील, प्रतिभाशाली, तीव्र स्मरण शक्ति वाले, कार्यों में निपुण, दूसरों की बात समझने में कुशल, प्रबल तर्क शक्ति वाले, उन्नतगामी, नेतृत्व करने की अभूतपूर्व क्षमता वाले और उच्च अभिलाषी भी होते हैं। यदि सहयोगी लग्न रहा मंगल और बुध की स्थिति अनुकूल रही तो पूर्ण सफल होंगे। चंद्रमा आज सुबह 7:30 तक वृष राशि में ही चलते रहेंगे। तत्पश्चात मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जिसके राशि स्वामी बुध देव हैं। साथ ही आज सुबह 7:30 से चंद्रमा पर शनि की सप्तम दृष्टि पड़ती रहेगी, जिससे उत्साह में कमी, मानसिक दबाव का महसूस होना और मौसम संबंधी संवेदनशीलता संभावित है। मगर शारीरिक श्रम करने की प्रवृत्ति में सुधार होगा। बुजुर्गों का आशीर्वाद, मार्गदर्शन और सकारात्मक प्रेरणा मिलती रहेगी। मेष राशि के जातकों की धन संबंधी मामलों में पहले से बेहतर स्थिति होती जाएगी। कोशिश कामयाब होगी और रचनात्मक क्रियाशीलता बनी रहेगी। बौद्धिक क्षमता का विकास होगा और मित्रों का सहयोग बना रहेगा। प्रबल आत्मविश्वास व्यावसायिक योजनाओं को सफल बनाने में मदद करेंगे। साझेदारी और नई कार्य योजनाओं के लिए आज का दिन अनुकूल है। चंद्रमा मंगल के नक्षत्र में चल रहे हैं, इसलिए शारीरिक और मानसिक ऊर्जा बनी रहेगी। संतान संबंधी मामलों में आत्मविश्वास बढ़ेगा, मगर माँ के स्वास्थ्य की चिंता लगी रहेगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सफलतादायक सिद्ध होगा और वैवाहिक प्रयास सफल रहेंगे। वृष राशि के जातकों के स्वास्थ्य संबंधी मामलों में सावधानी अपेक्षित है। आत्मविश्वास और क्रियाशीलता में कमी और चल रहे कामों में रुकावट की संभावना भी बनती है। चंद्रमा का मंगल के नक्षत्र में होना और बृहस्पति शुक्र की युति का छठवें घर में चलना स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं और समस्याओं का पकड़ में न आना संभावित है। हालांकि आर्थिक लाभ मन मुताबिक बना रहेगा, निर्णय लेने की क्षमता में सुधार होगा और मानसिक सक्रियता में भ्रम की स्थिति खत्म होगी। कार्य क्षेत्र में स्थायित्व बना रहेगा और साझेदारी सफल रहेगी। संतान संबंधी जिम्मेदारियां पूरी होंगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सफलतादायक सिद्ध होगा और परिवार में हर्ष और खुशी का माहौल बना रहेगा। मिथुन राशि के जातकों के बौद्धिक क्षमता में सुधार होगा और रचनात्मक क्रियाशीलता बनी रहेगी। चंद्रमा आपकी राशि पर चल रहे हैं, मगर मंगल के नक्षत्र में हैं। दिनचर्या सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर रहेगी। घर गृहस्थी, संतान और स्वजनों पर निवेश की स्थिति बनी रहेगी, मगर स्वास्थ्य संबंधी सावधानियां रखनी चाहिए। हालांकि व्यावसायिक प्रेरणा जारी रहेगी। कार्य योजनाओं की निरंतरता बनी रहेगी। साझेदारी के प्रस्ताव लाभदायक रहेंगे। आर्थिक लाभ मन मुताबिक मिलता रहेगा और शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता संभावित है। प्रयास जारी रखें और अपव्यय को नियंत्रित करना चाहिए। कर्क राशि के जातकों के लिए आय की स्थिति मन मुताबिक बनी रहेगी। चंद्रमा आज मंगल के नक्षत्र में चल रहे हैं, इसलिए हर काम करने के प्रति उत्साह बना रहेगा और कार्य क्षेत्र के विस्तार की मानसिकता में वृद्धि होगी। अतिरिक्त कार्यभार और सरकारी विभाग से सहयोग मिलता रहेगा और नई कार्य योजनाओं में भागीदारी सुनिश्चित रहेगी। निजी निवेश की योजनाओं में उठाया गया कदम सही रहेगा, मगर संतान संबंधी मामलों में मानसिक दबाव बना रहेगा और संबंधित मामलों में यात्रा या प्रवास की स्थिति संभावित है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। परिश्रम में सहयोग मिलेगा और सफलता संभावित है। पारिवारिक तालमेल बनाए रखें और वाहन चलाने में सावधानी रखें। सिंह राशि के जातकों के लिए चंद्रमा एकादश भाव में मंगल के नक्षत्र में चल रहे हैं। कार्य क्षेत्र के प्रति निरंतर विकास और लाभ का संकेत मिलता है। नई कार्य योजनाओं में सहयोग और उसके प्रति होने वाले प्रयासों में अधिकारियों की प्रेरणा व शासन सत्ता का सहयोग भी शामिल रहेगा। सरकारी कामकाज पूरे होंगे। आर्थिक लाभ की स्थिति अच्छी रहेगी और किया गया प्रयास हर काम के प्रति सफल रहेगा। वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा।
न्यायालय या वाद विवाद संबंधित मामले आज के लिए अनुकूल रहेंगे। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन मेहनत वाला होगा, पूरे उत्साह से प्रयास जारी रखें, सफल रहेंगे। कन्या राशि के जातकों के लिए कार्य क्षेत्र में चली आ रही रुकावटों में कमी आएगी और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। कार्य क्षेत्र में सहयोग मिलेगा और उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे। नई व्यावसायिक योजनाओं में रचनात्मक प्रवृत्ति बनी रहेगी और आर्थिक लाभ मन मुताबिक बना रहेगा, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं पर ध्यान रखना चाहिए। साझेदारी के काम आज के लिए लाभदायक रहेंगे और व्यावसायिक यात्रा के योग बनते हैं। बृहस्पति और शुक्र की युति से कुछ कामों में मन का अंतर्द्वंद निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित कर सकता है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा, अध्ययन अध्यापन में प्रयास जारी रखें और मौसम संबंधी सावधानी बनाए रखें। तुला राशि वाले जातकों के लिए स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानी रखनी चाहिए। चंद्रमा का मंगल के नक्षत्र में और गुरु का लग्न में होना स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं का संकेत देता है। हालांकि कार्य क्षेत्र में सहयोग जारी रहेगा और विकास की गति बनी रहेगी। रुके हुए काम संपन्न होंगे। साझेदारी के कामों में लाभ और जमीन मकान वाहन संबंधी योग जारी रहेगा। आर्थिक लाभ मन मुताबिक बना रहेगा। माता के स्वास्थ्य की चिंता बढ़ सकती है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी और परिश्रम सार्थक होगा और पारिवारिक सामंजस्य स्थापित करने में सफल रहेंगे। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए चंद्रमा का मंगल के नक्षत्र में होना सहयोगी प्रभाव में माना जाएगा, मगर स्वास्थ्य के उतार चढ़ाव में सुधार होगा और पहले की परेशानियों की पुनरावृत्ति में कमी आएगी। मगर साझेदारी के कामों में लाभ मिलेगा और सरकारी कामकाज पूरे होंगे। विभागीय कर्मचारियों का सहयोग बना रहेगा। आय संबंधित मामलों में सुधार होगा और यात्रा का योग बनता है। पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी और वैवाहिक प्रस्ताव अनुकूल रहेंगे। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अच्छा है, अध्ययन अध्यापन में सहयोग मिलेगा और वाहन सावधानी से चलाएं। धनु राशि वाले जातकों को स्वास्थ्य संबंधी मामलों में सावधानी रखनी चाहिए। कार्य योजनाओं में आ रही रुकावटें खत्म होंगी और हर कार्य के प्रति सहयोगात्मक रवैया कायम रहेगा। आपकी राशि से चंद्रमा का सातवें बैठना सरकारी सहयोग और मन मुताबिक काम के होने का संकेत करता है। हालांकि बृहस्पति का अपने नक्षत्र में होने से नई कार्य योजनाओं में सहयोग और सकारात्मक प्रेरणा मिलती रहेगी। साझेदारी के प्रस्ताव लाभदायक रहेंगे। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और वैवाहिक प्रस्तावों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सफलतादायक सिद्ध होगा और वाहन सावधानी से चलाएं। मकर राशि के जातकों के लिए आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और नई ऊर्जा का एहसास होगा। पहले की चली आ रही दिक्कतों में सुधार होगा और कार्य क्षेत्र में उन्नति का मार्ग प्रशस्त रहेगा। चंद्रमा के मंगल के नक्षत्र में चलने से आत्मसंतुष्टि में थोड़ी कमी, कामों में रुकावट और पारिवारिक चिंता की मनोवृत्ति संभावित है। हालांकि कार्य क्षेत्र में आपकी दक्षता बढ़ी रहेगी और सम्मान के पात्र बनेंगे। आर्थिक लाभ सामान्य रहेगा और संतान संबंधी शुभ समाचार मिल सकता है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अच्छा होगा। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी और प्रयास सार्थक होंगे। कुंभ राशि के जातक पारिवारिक सुख संतुष्टि और सुकून महसूस करेंगे। माता के स्वास्थ्य में सुधार, मगर निजी निवेश के प्रस्ताव सफल रहेंगे। मानसिक स्थिरता के साथ साथ सरकारी कामकाज पूरे होंगे। भूमि और वाहन लेने का योग भी जारी है। नई कार्ययोजनाओं में सहयोग मिलेगा और उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे। आर्थिक लाभ भाग्यवश अच्छा रहेगा। वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। विद्यार्थियों को मेहनत करनी पड़ेगी, मगर सफलता संभावित है। न्याय या वाद विवाद संबंधित मामले अनुकूल रहेंगे। मीन राशि के जातकों के लिए रचनात्मक प्रयासों में सुधार होगा, मगर कार्य क्षेत्र के विस्तार में मानसिक स्थिरता कायम रहेगी। हालांकि उच्च अधिकारियों का सहयोग और पारिवारिक प्रेरणा लाभदायक सिद्ध होगी। नई कार्ययोजनाओं में आपके प्रयास सार्थक होंगे और साझेदारी के काम लाभदायक रहेंगे, मगर स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं पर विशेष ध्यान रखना चाहिए और विद्यार्थियों के लिए आज का दिन मेहनत वाला होगा। निरंतर अभ्यास जारी रखें और वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। ओम नमः शिवाय।